Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 3. How are you all? This is your science period and today we are going to study further topics of our unit number 12. But before starting our work, first recite dua, Rabbi, Zidni ilma, oh my Lord, increase my knowledge. Students, we are studying unit number 12, the solar system. Open your books, page number 98. In today's class, we are going to study about moons. Kya hota hai moon? जी, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है. सैटेलाइट हर वो ऑब्जेक्ट होता है, सैटेलाइट हर उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो कि अर्थ के सराउंडिंग में मूव करता है, ऑर्बिटिंग करता है. तो मून एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, क्योंकि मून को मैन ने तो नहीं बनाया है ना. मून अर्थ के गिर्द रोटेट करता है अपने एक्सिस पे और मून 28 डेज में रोटेशन कंप्लीट करता है, वन रोटेशन कंप्लीट करता है अपने एक्सिस पे. हमारे प्लैनेट अर्थ के पास सिर्फ एक ही मून है, ठीक है, और बहुत सारे दूसरे प्लैनेट्स भी हैं. आपको पता है ना, 8 प्लैनेट्स हैं ओवरऑल, तो कुछ दूसरे प्लैनेट्स के 1 से ज़्यादा मून्स हैं. क्या आपको पता है कि सैटर्न के पास 17 मून्स हैं और मरकरी और वीनस प्लैनेट के कोई मून्स नहीं है. प्लैनेट अर्थ के पास सिर्फ 1 मून है. डू यू नो बेटा, इफ अ कार कुड ट्रैवल एट 800 किलोमीटर पर आवर, अगर एक कार इतनी स्पीड से ट्रैवल करे अबाउट 800 किलोमीटर पर आवर, तो उसको 6 ईयर रिक्वायर होंगे वीनस तक रीच करने के लिए, 8 ईयर्स रिक्वायर होंगे मार्स तक रीच करने के लिए और 4 मिलियन ईयर्स रिक्वायर होंगे नियरेस्ट स्टार तक रीच करने के लिए. तो अब आपको पता चला कि प्लैनेट्स कितने डिस्टेंटली प्लेस्ड हैं, है ना. प्लैनेट्स में गैप्स हैं, डिस्टेंस है, ऐसा नहीं है कि प्लैनेट्स बहुत नियरली प्लेस्ड हैं. ओके बेटा, नाउ कम टू पेज नंबर 99. डिफरेंस बिटवीन अ प्लैनेट एंड अ मून. अब ये देखना है कि डिफरेंस क्या है फिर मून में और प्लैनेट में, क्योंकि दोनों ही तो रोटेट हो रहे हैं अपने अपने एक्सिस पे और रोटेट हो रहे हैं किसी भी बॉडी के सराउंडिंग में. प्लैनेट्स जो हैं वो सन को ऑर्बिट करते हैं, सन की सराउंडिंग में रोटेट होते हैं. ओके, तो प्लैनेट सन को ऑर्बिट करते हैं, लेकिन मून किसको ऑर्बिट करता है? मून ऑर्बिट्स द प्लैनेट्स. मून प्लैनेट्स को ऑर्बिट करता है, जैसे अर्थ के पास जो वन मून है वो वन मून अर्थ को ऑर्बिट करता है. ओके बेटा, नाउ लेट्स चेक द सिमिलैरिटीज बिटवीन अ प्लैनेट एंड अ मून. अब हम देखेंगे कि प्लैनेट्स में और मून में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं. प्लैनेट्स और मून दोनों की कोई लाइट नहीं होती, तो फिर वो हमें कैसे नज़र आते हैं? बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ सन, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं तो हम उन्हें देख सकते हैं. प्लैनेट्स और मून्स रिवॉल्व अराउंड अनदर स्पेस बॉडी. दोनों ही प्लैनेट्स और मून्स किसी दूसरी स्पेस बॉडी के सराउंडिंग में रिवॉल्व करते हैं, जैसे प्लैनेट सन को ऑर्बिट करते हैं और मून्स दूसरे प्लैनेट्स को ऑर्बिट करते हैं. ओके, हमारा प्लैनेट अर्थ रिवॉल्व होता है अराउंड सन, ये तो सबको पता है. एंड इट टेक्स अबाउट 365 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ये भी आप सबको पता है. तो मून पे जो हम लाइट देखते हैं या मून को ग्लो हुआ हुआ देखते हैं, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट ऑफ सन, क्योंकि मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती. लेकिन कभी कभी मून हमें क्रेसेंट शेप का नज़र आता है, जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो रहा है, पिक्चर देखिए. कभी मून आपको इस शेप का नज़र आता है फुल मून, कभी सेमी सर्कल नज़र आता है, कभी क्रेसेंट शेप, कभी मून ही नज़र नहीं आता, कभी बहुत थिन क्रेसेंट शेप नज़र आता है. तो ये सब क्या है? ये सब फेजेस ऑफ मून है. और ऐसा क्यों होता है? जब सनलाइट पूरे मून पे फॉल हो रही है तो हमें वो पूरा फुल मून नज़र आ रहा है, लेकिन जब सनलाइट इस पार्ट पे फॉल हो रही है, इधर देखिए डार्कनेस है, तो ये जितने भी शेप्स हैं मून के, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ द फॉलिंग ऑफ सनलाइट. सनलाइट जिस पार्ट पे फॉल होगी हमें मून उसी शेप का नजर आएगा, दूसरा पार्ट डार्क होगा तो हमें नज़र ही नहीं आता. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फेजेस ऑफ मून. सैटेलाइट्स एंड स्पेस टेलीस्कोप्स. क्या आपको पता है बेटा कि हमारी स्पेस में अब तक 2500 मैनमेड सैटेलाइट्स इंट्रोड्यूस की जा चुकी हैं. सैटेलाइट सोलर सिस्टम के बारे में बताती हैं हमें, और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स होती हैं जो कि अर्थ को ऑर्बिट करती हैं. सैटेलाइट्स अर्थ को ऑर्बिट करती हैं क्योंकि हम इसी प्लैनेट अर्थ पे ही रहते हैं. सैटेलाइट सिग्नल रिसीव करती हैं अर्थ से और अर्थ को ही सिग्नल सेंड करती हैं दोबारा से. सैटेलाइट्स हमें वेदर के बारे में बताती हैं. इसके अलावा सैटेलाइट्स को यूज़ किया जाता है टेलीविज़न पिक्चर्स को सेंड करने के लिए एक पार्ट ऑफ वर्ल्ड से दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में. टेलीफोन कम्युनिकेशंस, टेलीफोन कनेक्शंस, नेटवर्क कनेक्शंस, सब कुछ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट्स.
लुक एट दिस मिथ वर्सेस फैक्ट. जैसे हमने अभी डिस्कस किया क्या फेजेस ऑफ मून अर्थ शेडो की वजह से कॉज होते हैं. नो, फेजेस ऑफ मून अर्थ शेडो की वजह से नहीं कॉज होते हैं, बल्कि सनलाइट की फॉलिंग से कॉज होते हैं. जिस पार्ट पे लाइट आती है वो पार्ट मून शेप बनाता है और हमें नज़र आता है, और जिस पार्ट पे लाइट नहीं आ रही होती वो पार्ट हमें नज़र ही नहीं आता. कम टू पेज नंबर 100. लुक एट दिस टेलीस्कोप. क्या आपको पता है ये कौन सी टेलीस्कोप है? दिस इज अ टेलीस्कोपिक सैटेलाइट, द हबल स्पेस टेलीस्कोप. और ये एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ को ऑर्बिट कर रही है. और ये दूसरी टेलीस्कोप से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये स्पेस में है. ये हमारी प्लैनेट अर्थ के अंदर नहीं है बल्कि स्पेस में है और अर्थ को अर्थ की सराउंडिंग में ऑर्बिटिंग कर रही है. मैनमेड सैटेलाइट्स को आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं, तो आप सबको ही पता है. नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड दीज अमेजिंग मून फैक्ट्स. आपको ये सब मून फैक्ट्स घर पे पढ़ने हैं. ओके बेटा, एंड यू हैव टू रीड फ्रॉम पेज नंबर 98 टिल 100.